अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव। तो उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं मटर। ये हमारे पास फ्रोजन मटर है, ये हमने फ्रोजन मटर यूज़ किया है। और इसके साथ हमारे पास एक गरम मसाले हैं, धनिया, लौंग, काले मिर्चें, सिया ज़ीरा, ये बड़ी इलायची है, और हरी मिर्चें हैं और पत्ता। और ये हमारे पास स्लाइस्ड अनियन है, इसको हम आधा जो है वो फ्राई करेंगे और आधा इसी में ही हम चावलों को पकाएंगे। ये हमारे पास चावल है, हमने भिगा के रखे हुए हैं। और ये हमारे पास एंड में रंग यूज़ करना है और नमक यूज़ करेंगे। इस पर फिर इसको गर्म करा, गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी। ये हमने घी 2 टीस्पून हमने इसमें घी ऐड करा है। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये जो है हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन और इसको ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। और लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी जो है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें से क्या करूँगी, स्टोव को कम करूँ। अब इसमें जो थोड़ी सी प्याज है वो मैं निकाल लूँगी, जो कि एंड में हम गार्निशिंग करेंगे। ये हमने गार्निशिंग के लिए निकाल दिया। ये जो बाकी के मसाले हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करूंगी, ये हमारे पास फ्रोजन मटर है, इसको ऐड करेंगे। इसके बाद थोड़े से 30 सेकेंड या 1 मिनट तक जो है वो हम इसको सौते करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल को। फिर उसके बाद ये हमारे पास चावल है, हम इसे ऐड कर देंगे। चावलों को, मटर को मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैं पानी ऐड करूँगी। इतना ऐड करना है कि ये बस हमारे चावलों से ऊपर, ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारा जो है वो चावल गीला होने का ख़तरा है। ये हमारे पास जो नमक है वो नमक इसमें ऐड कर देंगे और मसाला हम एंड में डालेंगे। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे फॉर 10 से 15 मिनट्स। इसके साथ बना रहे हैं हम आज ये चिकन टिक्का है। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। और ये जो है वो हम इसी चावल के साथ खाएंगे। यहाँ पे सऊदी अरब में इसी से खाया जाता है मंदी, और सऊदीया में मंद है, यहाँ पर जो है शवाया और बुखारी राइस के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। जिसकी अभी कंडीशन ये है, चावलों से ऊपर मैंने पानी डाला हुआ है, तो इसको 10 से 15 मिनट बाद चेक करूँगी। अच्छा जी, आफ्टर 10 मिनट्स के ये हालात हैं इसके। और ये अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो हैं गल चुके हैं। हम इसको ज़्यादा इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि फिर चावल टूट जाते हैं, तो बेहतर ये कि आप इसको का कि जो चावल नीचे वो चुकेंगे नहीं। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये कलर हमारे पास था, तो इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, ठीक है। और साथ ही जो हम, और ये जो है वो हमारे ऑलमोस्ट कुक हैं, ये तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर हम इसके पुलाव के साथ इसको सर्व करेंगे। एंड फाइनली इट्स डन। ये मैंने चिकन टिक्का बनाया था, ये रेडी हो चुका है। इसके साथ जो हमने चावल बनाए थे, पुलाव बनाए थे, ये हमने मटर पुलाव, ये अल्हम्दुलिल्लाह डन है। इसके चावल आप देख सकते हैं, माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं। और इसकी गार्निशिंग के लिए हमने ये अनियन रखे हैं। सर्व करते हैं, हम अनियन से सर्व करेंगे विद रायता। ये हमने धनिया और हरी मिर्चों का रायता बनाया है विद मरिंडा सिट्रस कोल्ड ड्रिंक के साथ। आप इसको सर्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।